सर पीस लाने के लिए क्या करना होगा, कैसे पीस आएगा थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हमने देखा कि इसके पहले भी आपने एक इवेंट किया था और ये भी एक इवेंट किया आपने, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को आप बुला रहे हैं और उनके थ्रू जो है मैसेज एक ऑडियंस में जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे सर उस बारे में? तो हमारा एक वर्ल्ड पीस कीपर मूवमेंट है, तो ये पीस 7 पीस वैल्यू के ऊपर उसके ऊपर आधारित है। तो ये 7 पीस वैल्यू ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, लव, ह्यूमिलिटी, गिविंग, पेशेंस एंड ट्रुथ, तो ये 7 पीस वैल्यू है। और ये हमारी 2 मिलियन पीस कीपर की ऑनलाइन मूवमेंट फेसबुक के ऊपर है, तो हम ये 7 पीस वैल्यू को स्प्रेड करना चाह रहे हैं और इसके आधारित हम पीस स्प्रेड करना चाह रहे हैं। या वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग डिफरेंट वेल नोन पीपल इन डिफरेंट फील्ड्स एंड वी आर ट्राइंग टू मेक देम आर वर्ल्ड पीस एम्बेसडर, सो दैट वी हैव अ मूवमेंट वेयर डिफरेंट फील्ड द इम्पॉर्टेंट पीपल इन डिफरेंट फील्ड दे कैन स्प्रेड द पीस। सर आपसे जानना चाहेंगे, सर ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है पीस लाने के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी हमारी कंट्री में, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में, कैसे आ सकता है अकॉर्डिंग टू यू हमारे देश में अगर पीस लाना हो तो क्या करना होगा? इट्स ओके, इट विल कम। हां आवाज आ रही है। देखिए इनिशिएटिव जब हमने बोला पीस लाना है, पीस का मतलब क्या है? समाज में जब भी एक शांति, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे की इज्जत करना, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना, किसी को व्यक्तिगत तौर पे शारीरिक रूप से कुछ दुख न देना, ये सब पीस के फाउंडेशन है। जब बोलते हैं कि पीस फैलाना है या शांति फैलानी है तो इन सब बातों को ध्यान करना पड़ेगा। आज के ज़माने में, इस कलयुग में, हर आदमी भागता भागता दिखाई पड़ रहा है, एक दूसरे की को पीछे करने में, आगे कैसे होड़ में आगे जाएंगे उसके पीछे लगा हुआ है। कोई शांति से खड़ा होकर सोचने को तैयार नहीं है या पीछे मुड़ के देखने के लिए तैयार नहीं है, हर आदमी आगे भागने की कोशिश कर रहा है, उससे आगे मैं कैसे निकल जाऊँ? जो भी खड़ा होता है, सोचता है, पीछे मुड़ के देखता है, वो आदमी एक सत्यता की तरफ बढ़ता है। पिछले बार मैंने बताया साधु संतों की जिंदगी देखी, वो बहुत ही कम आवश्यकताओं से, बहुत ही फ्यू नीड्स, बहुत ही कम आवश्यकताओं के साथ जिंदा रहते हैं। वो बड़े खुशहाल, चेहरे पे बड़ी शांति रहती है, लोगों को बड़ा प्रेम देते हैं। लेकिन हम लोग जैसा बताया, ये कलयुग है, कलपुरयुग का युग, कलयुग बोलते हैं, हम लोग सब मैकेनिकल हो गए हैं, उसी में भागते रहते हैं। तो हर आदमी को चाहिए कि साधु महात्माओं के संगति को अपनाए, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदू धर्म में कीर्तन बोलते हैं, दूसरे धर्म में और कुछ बातें बोलते हैं। तो हम जब इन जो कंज्यूमर आइटम्स हैं, जो आज की भौतिक आवश्यकता हैं, उनको धीरे धीरे अपने जिंदगी से दूर करेंगे भी कहा जाता है, तो सर इस पीस के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहेंगे सर, पीस कैसे ला सकते हैं हम हमारे देश में? पीस एक्चुअली वर्ड इतना छोटा है पर इसका इतना ब्रॉड इसका मीनिंग है, जो एक दो वर्ड से इसको क्लैरिफाई किया नहीं जा सकता। सिंपल वर्ड में ही है, ये एक दूसरे से प्यार होना बोल चुके। आज हमारे जो अनरेस्ट है या जो भी है, वायलेंस है, जो भी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है ये हमें भी समझ नहीं आ रहा है। ये एक दूसरे को मार के क्या उनको क्या फ़ायदा क्या हो रहा है, उनको क्या सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है? तो इसे जब तक हम इसका रूप पे नहीं जाएंगे, जेल क्यों कर रहे हैं, क्यों, जो भी हो, और वो कोई पर्टिकुलर कोई कास्ट या कोई रिलीजन का बात नहीं है, पर इसका रूट है जो क्यों कर क्या रहे हैं, करने का कारण क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा तभी कर रहे हैं। अभी खुद को बम से लौट मतलब लाद के और बीच में उड़ा देना खुद को, अरे बाप, ये तो मतलब हम सुसाइड करने के लिए 100 दफ़ा सोच के भी आपस आ जाते हैं, आप ये नहीं करना नहीं होगा। तो फिर खुद को मार देना किस पॉइंट पे, इतने इनको अंदर साहस, और बहुत क्रेडिट
सोच रहे हैं, हम खुद को मार के और 100 आदमी को मार रहा हूँ। ये जो बेसिक रूट है, इसको अगर हम नहीं समझेंगे या इसको दूर करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो फिर पॉसिबल ही नहीं है इस वर्ल्ड में पीस। हम इंडिया का बात ही नहीं करें, ये वर्ल्ड का इशू है। ये जो साहब ने बहुत अच्छे जो मूवमेंट किया है, ये वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी बात है। आज तो बहुत बड़ी चीज़ है, हर जगह में एवरीवेयर कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये समझने के लिए इनका रूट पे जाना, रूट एक ही बात है, ये उनका अंदर ऐसे भावनाएं नेगेटिविटी को स्प्रेड किया जा रहा है उनका दिमाग में, वो नेगेटिविटी से वो ये सब काम कर रहे हैं। न तो कोई कर ही नहीं सकते, मार ही नहीं सकते बच्चे, ये लेडीज या वुमेन या कुछ भी एक एजेड आदमी, उनको ऐसे ही बिना कारण, कोई उनका दुश्मनी नहीं है, जाति दुश्मनी नहीं है, पर्सनल दुश्मनी नहीं है, फिर भी कर रहे हैं। तो इसका बेसिक है उनका जो नेगेटिविटी डाले जा रहे, उस नेगेटिविटी को अगर हम किसी भी तरह बाई दिस मूवमेंट और अदर्स मूवमेंट एंड लॉट ऑफ थिंग्स, हमें नेगेटिविटी को अगर क्लियर कर सकते हैं उनका माइंड से, तो शायद कुछ इसमें डेवलपमेंट हो या उसमें पीस है। बाकी सिचुएशन ग्रेजुअली बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। ये जो डॉक्टर साहब ने ये मूवमेंट शुरू किया, ये बहुत ईजी नहीं है। ऐसे भी एक मीटिंग करके हम चार बातें करके चले जाएंगे फिर भूल जाएंगे, तो इसमें कोई समाधान नहीं होगा, नहीं कुछ हम उसको कर पाएंगे। पर ये हम कोशिश जो है, एक सीड हम लोग एक बीज डालते हैं, बीज में वो बहुत बड़ा वो महीर हुआ या बहुत बड़ी झाड़ नहीं दिखाई देता है, ये इतना से एक बीज में पता नहीं चलते उसका अंदर कितना पावर है कि कुछ सालों में वो इतने बड़े एक चीज बन जाते। तो ये जो मूवमेंट स्टार्ट किया एक सीड है, ये सीड शायद कई समय का बाद, एक दिन में नहीं, वो एक बहुत बड़े एक झाड़ बन जाए, और उस झाड़ शायद कुछ हमने उसका रिजल्ट मिल पाए। इमीडिएट इफेक्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी फैल गया है, फैला दिया है, कोई अपने अपने पर्सनल लेवल में बेनिफिट लेने के लिए, कोई पॉलिटिकल लेवल में बेनिफिट लेने के लिए, कोई उसका वेपन्स और आर्म्स और एयरक्राफ्ट ये सब बेचने के लिए बड़े बड़े कंट्रीज। तो ये जो नेगेटिविटी फैला दिया है, इतना आसानी से जाना नहीं है। सब पीस का बात करेंगे, बदल पाए ओनली 1%, दैट विल बी द क्रेडिट डॉक्टर। मैम, व्हाट इज योर थॉट, व्हाट वी कैन डू टू मेक चेंज? I'm just honored to be a part of this work hard, which is an amazing foundation which is created by Dr. Hose. I think we need more people like Dr. Hose in this world to make a beautiful world. I guess it's like so many hatreds in this world because of religion, because of the color, because of status, and like so many things which we can create in a beautiful way. As in, if you have a love inside and peace within, and it's just not just wishing to have inside, it's just a giveaway. I mean, one should inspire each other and, you know, help each other, lifting up each other and, you know, and appreciating each other. I think world can be such a beautiful place, as in helping even the Mother Nature in the surroundings, environment. One can be like having a beautiful mind can help so many people in this world, like negativity, and you know, like killing people, it's like so much of hatred. It's like world is just feel like it's just ending, you know. I think one should stop all this and love each other, have peace within inside. That's it. तो बिना सोचे समझे यहाँ वहाँ सबसे लड़ता है, सबको मार, जो भी उसे करना होता है, वो उनका नेचर है। लेकिन हम इंसान अपनी इंसानियत छोड़ के हम एक्चुअली वो नेचर हम अपना रहे हैं। मतलब हम इतना भाग रहे हैं अपनी लाइफ में ग्रो होने के लिए। ग्रो होने में कोई रॉन्ग नहीं है, हर कोई ग्रो होना चाहता है, हमें ग्रो करना है। बट एट द सेम टाइम अगर लाइफ में थोड़ा सा पीस मिल जाए आपको, तो आपके लिए अच्छा है। आई मीन इट्स नॉट अबाउट अदर्स, आप अपने बारे में सोचो। आपको अगर खुद को पीस मिल जाए अंदर से, तो आप खुद ही अच्छे, आपको यू विल फील सो गुड,
सो पॉजिटिव, आई मीन लाइफ विल बी सो ब्यूटिफुल. और सॉरी वर्ड बोलना, मतलब इसमें कोई गलत नहीं है. हर बार क्या हो जाता है कि लाइक जैसे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू हो गया, हम इंसान हैं, गलतियाँ कभी हो सकती है, बट एक सॉरी वर्ड से बहुत सारी चीज़ें अगर सॉल्व हो सकती है तो क्यों नहीं. अगर उस सॉरी वर्ड से अगर आपस में पीस आ सकता है सो वाई नॉट. बट हमें लगता है कि नहीं, सॉरी बोल दिया तो भाई मैं कैसे छोटी, मतलब रॉन्ग हो जाएगा. इट्स ओके टू से सॉरी, इट इज़ नथिंग रॉन्ग. सो आई थिंक ये दैट्स वॉट आई फील, कि एक अच्छा इंसान बनो. एक इंसान में ही सारी क्वालिटीज़ है, ये पीस, प्यार, इमोशंस, वी हैव ऑल दोज थिंग्स बिकॉज वी आर अ ह्यूमन बींग. सो प्रूव इट दैट वी आर एक्चुअली अ ह्यूमन बींग. दैट्स इट. First of all, thank you sir for inviting me and I'm honored to be a part of this movement. मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है हम सब में इतना ज़्यादा negativity दुनिया में फैल गया है. इसका main कारण है education and हमारी youth को जो है they are the future of our country. और social media इतना ज़्यादा strong हो गया है, so हमें लगता है उनको education एक basic जो foundation है वो देना बहुत ज़रूरी है. उसी से हमारा मन का जो सोच है वो बदलता है और उसी से हर चीज़ पॉसिबल हो सकता है, प्रॉवर्टी हो, हर चीज़. तो और ये पीस जो है इट शुड बी विद इन आस इनसाइड द एनवायरनमेंट. घर से शुरू होती है. आप खुश हो तो आप दूसरों को खुशियाँ दे सकते हो. तो घर में ये जो चीज़ है ये हमें घर से मतलब पहले शुरुआत होती है. सो आई थिंक एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है and that through education we can find peace and provide peace. And I'm an artist, so matlab artist jo hote hain hum log ka to man jo hota hai, like we are very emotional and sensitive people. So through my music, if I can do a beat for my society, for all my followers, and through social media, I'll think myself will be a responsible citizen. मैं अपने आप को ऐसा महसूस करूँगी कि मैंने थोड़ा बहुत भी अगर मैंने if I can do a bit from my side, I'll be thankful. Thank you. Sir, all that. But now a lot of thing has gone online. Media is the same thing. Media is a form of communication. Whether you use offline or online, it's only you're using a different method. So as long as you want to communicate your message. And a lot of the world nowadays is on social media. Everybody doesn't even read the newspaper now. They go on the phone and they see NDTV, Times of India, all that, CNN. Nobody is even going on newspaper now. So slowly the offline media is getting less attention and the online media is getting more attention. And to communicate the message, we have to go wherever the people are there, we have to go there. Okay. Yes, okay. Thank you. What's your name? Oh,